रहा हूँ भैया, रोक रहा हूँ, रोक रहा हूँ भैया। क्या तुम भी साइड पे लगा ले सर, घर ले जा रहा हूँ अभी। मेरे नाम पे है, मेरे उस पे है, सीज क्यों करनी है सर? एग्जॉस्ट होना लगाया मैंने, मॉडिफाई की नहीं है मैंने, डॉक्यूमेंट तो मंगाने, आरसी मंगाता हूँ ना सर मैं। नाम क्या तेरा? आमिर है। आगे पापा का? पापा का नाम। सभी अपनी बाइक जो है वो सीज हो गई भाई एग्जॉस्ट के बिना। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, मतलब स्टार्ट से स्टार्ट किया था भाई लोग, और ये रहे भैया, जाने पहचाने लग रहे होंगे। जिन्होंने मेरी आरएस की बाइक की डिलीवरी देखी होगी ना, ये वही वाले भैया जिन्होंने हमें ना मतलब ऐसी बाइक दे दी थी। तो हम आए थे बजाज के सर्विस सेंटर में, यहीं से हमने बाइक भी परचेज किया था। सर्विस सेंटर जो है गाइस वो क्लोज हो गया। एक्चुअली हम आए थे बैटमैन का काम कराने के लिए। बहुत सारे बंदे मेरे को बोल रहे हैं कि आमिर भाई तुम तो बैटमैन पे वीडियो ही नहीं डालते, सिर्फ बिल्लू रानी को पकड़ के रखा। ओके, तो आज हम काम कराने आए थे बैटमैन का। बैटमैन की जो कंडीशन है ना वो एकदम खराब हो गई है, देख पा रहे हो, एग्जॉस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, सारा कुछ निकाल दिया, मतलब सब कुछ टूट गया। और जो ने इसकी हालत करके रखी है ना, चाबी देना। तो मैं ड्रैगन आर्म को ना साउंड सुनाता हूं भाई आरएस का कि कैसा साउंड कर रहा है भाई। तुम परेशान हो जाओगे, तुम बोलोगे वाह अभी बाइक हो गई है न्यूट्रल, देख रहे हो पटाके मार रही है गाइस बाइक। और पटाके मारने के साथ साथ में ना इसका इंजन ऑयल लीक हो रहा है, हल्का हल्का सा सेमी ने ना परसों फिर गिरा दी थी, ये देख पा रहे होगे इंजन ऑयल लीक हो रहा है। अभी ये तो बंद हो गया, मैंने इनको बोला कि मॉर्निंग में छोड़ देता हूँ, आज एक रिएक्शन वीडियो बना लेते हैं भाई लोग। आज हम इस बाइक को लेके जाते हैं सिटी में, एंड लेट्स सी कैसी रहता है। तो ये वाली साउंड जो ना भाई आज हम करेंगे कि भाई लोग जो लोग चलते ना रोड पे उनको कैसा फील होता है, ड्रैगन आर्म को दिखाएंगे। मेरे को पता आज का कंटेंट थोड़ा डिफरेंट जा रहा है, हमें ये नहीं करना चाहिए था, बट हम फिर भी तुम्हारे लिए कर रहे हैं। बिकॉज सब कमेंट कर रहे थे कि भाई तुम ना बैटमैन पे वीडियो नहीं बना रहे, आज मुसाब चलाएगा हमारी हिलो रानी और हम चलाएंगे भाई लोग बैटमैन। बैटमैन थैंक यू, बाय बाय। ये वो भाई है जब हम अपनी ईएमआई वगैरह भरते थे ना, मैं इनको बोलता था यार ईएमआई वगैरह कैसे निकालनी है, पापा पैसे नहीं देते तो बहुत हेल्प किया इन्होंने। तो कोई भी बंदा है ना किसी को बाइक लेनी है बजाज की, यार इनसे लो, बहुत प्यारा शोरूम है। बाइक का साउंड देखो यार, सच बताऊं तो सैमी ने इसकी मार के रखी है भाई, तो क्लच प्लेटें वगैरह उड़ने वाली है बस भाई की, ऐसे ही दम पे। तो बस ये नाम से जिंदा की बैटमैन हूं, अभी नहीं मरूंगा भाई, थोड़ा लेट मरूंगा मैं, चल कोई टेंशन नहीं है भाई। सो यहाँ पे ना ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं भाई, अगर उनको मैं मिल गया ना भाई कसम खा के कह रहा हूँ बहुत फेंटा पड़ेगा। अगर मामा जी को देखे ना भाई लोग तो तगड़ा वाला सीन हो जाएगा, बट उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक सिग्नल खुल जाए भाई। अभी हम निकल रहे हैं भाई लोग सिटी की तरफ, अभी हम रिएक्शन लेंगे, देखते हैं अपने बैटमैन के क्या रिएक्शन रहेंगे भाई। अभी बस हम पहुंचने वाले हैं भाई लोग सिटी में, एंड अब हम लेंगे रिएक्शंस रिएक्शंस एंड रिएक्शंस, तो देखते हैं भाई लोग क्या सीन रहता है। वैसे अब हम सिटी पहुंचने वाले हैं, मेरे को लगा वो मेरे को रोक रहा था, मेरे को तो दो मिनट के लिए यही लगा, आज रिएक्शंस लेना थोड़ा मुश्किल ही होगा। साउंड तो है भाई यार, मानना पड़ेगा, मानता हूँ सुपर बाइक इतना साउंड नहीं है, बट इरिटेटिंग साउंड है, बहुत इरिटेटिंग साउंड है भाई। कारण अब मैं इस पर एग्जॉस्ट जला रहा हूँ भाई, ज़्यादा देर तक ये रखना नहीं है ऐसा। सैमी को भी मैंने बोल दिया कि अब जब तक बाइक ठीक नहीं होगा तब तक मत निकालना, बट सैमी सुनेगा ही कहाँ भाई, सैमी कहाँ सुनता है किसी भाई। समय ये वही लड़की मिल गई जो लास्ट टाइम जिसका हमने रिएक्शन लिया था, ठीक हो, कहाँ जा रहे हो? ओके थैंक यू सो मच। अरे सही भाई, तुम यहाँ घूमते क्यों हो वैसे? अच्छा हाँ, सो गाइस इसका नाम दीपिका, जाके फॉलो करो गाइस। और आपका क्या नाम है? बहुत प्यारे फैन है भाई, हर रोज मेरे को जब भी मैं रिएक्शन लेने आता हूँ ना तो ये मेरे को मिल ही जाते हैं हर बार। तो अभी मैं रिएक्शन लेने आया था बाइक की साउंड का, कैसा लग रहा है? ओके टेक केयर, चौ बाय। नमस्ते मम्मी जी, ठीक हो? टाइम निकाल के आऊंगा मम्मी जी घर पे। वही मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत प्यारे हैं यार, सब्सक्राइबर्स, ओए सब्सक्राइबर्स पता क्या बोलते हैं, भैया नाका लगा भागो। क्या बात है यार, वाकई यार मानना पड़ेगा, इसलिए मैं ना सिटी में बहुत कम आता हूँ पता तेरे को। मेरे को रिएक्शन लेना था ड्रैगन आर्म का ही लेना था, मैंने सोचा कोई मिल जाएगा, वाह वही हमारे जो सबसे कट्टर फैन है ना वही हमें बार बार मिलते हैं, समझ रहे हो, ऊपर वाला भी उन्हें मिलाता है जो हमारे कट्टर वाले अच्छे वाले फैन है। अभी निकलते हैं यहाँ से, सो भाई अभी यहीं से निकलेंगे भाई, मेरे को लग नहीं रहा हम अंदर घुस सकते बिकॉज आज ना चारों तरफ ना नाका लगा हुआ है भाई, तो भागना ही पड़ेगा भाई मेरे हिसाब से, तो मैं गलत जगह आ गया, फंस गया तेरा भाई। अभी हम वहाँ से चले गए थे, एक्चुअली वहाँ पे ना मेटाडोर्स लगी होती हैं तो उस साइड से नहीं जाना है। अभी बहुत सारे बंदे मिलेंगे भाई, अभी आ चुके हैं हम यहाँ पे बहुत इरिटेटिंग साउंड है भाई, मुझे भी पता है क्या करूँ। ड्रैगन आर्म ने कमेंट करके बोला था भाई, इसी कारण हम ना यहाँ पे आए हैं, तो बहुत सारा प्यार है। रोक रहा हूँ भैया, रोक रहा हूँ,
रोक रहा हूँ भैया, रुक जा तू भी, साइड पे लगा ले। नमस्ते सर, निकाल रहा हूँ भैया। ये सर आज से कोई एक महीना पहले हुआ था सर, JK02CP8346। सर घर ले जा रहा हूँ अभी। मेरे ही नाम पे है, मेरे ही उस पे है, मेरे नाम पे। मैं आरसी दिखाता हूँ आपको। सीज क्यों करनी है सर? एग्जॉस्ट थोड़ा लगाया मैंने, मॉडिफाई की नहीं है मैंने। सर नंबर प्लेट फ्रंट वाली तो बैग नहीं ना सर, थोड़ा मोटो ब्लॉगर है सर। काट दो चलान, काट दो डॉक्यूमेंट तो मंगाने दो ना सर, बिना डॉक्यूमेंट के लिख रहे हो। नहीं नाम, नाम नहीं बता रहा हूं, आरसी मंगाता हूं ना सर मैं। नाम क्या तेरा? आमिर है। आगे पापा का? पापा का नाम अब्दुल माजिद। सभी अपनी बाइक जो है वो सीज हो गई भाई एग्जॉस्ट के बिना। सर वही एम परिवहन ऐप पे ही कर रहा हूँ मैं, हो नहीं रहा है। करके दे रहा हूँ सर। JK02CP8346 डाउन है सर्विस। मोबाइल नंबर बोल अपना। मेरे को वो दे दो ना इसका। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो सी? एकदम कौन सी चौकी में जाएगी है? So finally guys, हो गया रिएक्शन। अभी ये कहाँ पे है? कोर्ट जाना पड़ेगा ना इसके लिए सर। ओके सर, टेक केयर। ओके सो फाइनली गाइस, अभी एक बाइक हो गई है सीज भाई लोग। भैया आराम से लेके जाना इसको, तोड़ना नहीं भैया यार, ठीक है ना? जाओ भैया फोटो ले 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 फोटो। चल तो फाइनली गाइस हमारी बाइक सीज हो गई भाई। देखो भाई पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना? उन सबको अपना काम करने दो। अभी मैं कुछ लोग देखता हूँ ना भाई, भाग जाते हैं। भागना नहीं है भाई, हमारी सेफ्टी के लिए। अब देखो सच में वो एग्जॉस्ट ना बहुत इरिटेटिंग था, मैं सच बोल रहा हूँ कि बाइक बहुत इरिटेटिंग थी। अच्छा हुआ कि सीज हुई, इसलिए मैंने ना ज्यादा कुछ बोला नहीं। एमी को बाहर निकालनी पड़ेगी, बिकॉज सामी ने ये हाल बनाया था इसका। निकलते हैं भाई लोग, बाइक दे के जा रहे हैं भाई खतरनाक तरीके से। सो ये देखो सर, आपने हेलमेट नहीं पहनी है, चलान कटेगा आगे। अरे नहीं सर, पता रहता है, चले गया भाई। पता नहीं कौन सी चौकी, कौन सी चौकी बोल रहा था, जीवल चौकी। खुद हेलमेट नहीं पहना था देखा तूने? होता है भाई हर एक चीज ना भाई। तो चलो भाई लोग, अच्छा हुआ भाई। ऐसे भी बड़े दिनों से ना शोर ही शोर था इस बाइक ना, भी परेशान होकर बोलता मॉडिफाइड एग्जॉस्ट है। मैंने कहा सर मॉडिफाइड एग्जॉस्ट नहीं है, मैं एग्जॉस्ट ही नहीं है ये देखो। वो बंदा पता क्या कहता, वाक्य में यार तुम बंदे बड़े कहते हो। छोटी मोटी चीजें होते रहती है भाई, इतना सोचना नहीं चाहिए यार, चलान कटते रहते हैं। बिकॉज जब आपकी गलती हो ना भाई, तो गलती माननी चाहिए। क्या मेरा एग्जॉस्ट नहीं था, अब मैं वहाँ पे बहस करने लग जाता, नहीं फोन करूंगा ये वो इधर उधर, वो नहीं करना है यार। यहाँ पे भी आज नाका लगा, आज मेरे को ये समझ नहीं आ रहा इतने सारे नाके क्यों लगे हैं भाई, क्यों लगे इतने नाके, कोई बताएगा भाई? आए कुछ राइडर्स जो है बहुत ज्यादा रैश करते ना, वो हमें भुगतना पड़ता है भाई। आज हमने बहुत दिनों बाद बैटमैन राइड किया एंड बैटमैन गया। लेकिन तुम अब खज्जल हो गए, पता तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा चलाने को। देंगे नहीं क्या? हाँ? कोर्ट से रिलीज करानी पड़ेगी, बहुत लंबा सीन होता है यार। कोई सीन नहीं है, क्या ही होगा, क्या निकाल लेंगे कोर्ट से, कुछ नहीं होता, ये छोटी मोटी चीजें होते रहती हैं। एक तो सीज हो ही गया, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ मस्त खुश खाते पीते रहो। अब अगले वीडियो में हम कोर्ट जाएंगे और बाइक को निकाल के लेंगे। तब तक मिलते हैं गाइस अगले मस्त वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, यू मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।